हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेन टॉक में। दोस्तों, अभी कल मैं रिसेंटली फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था जिसमें एक डॉक्टर ने लिखा था कि एक पेशेंट उसके क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराने आया था और उसके बाद वो उससे कह के गया कि मैं आपको भी लौट के पेमेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद करीब 1 महीना हो गया है, बट ना तो वो पेशेंट आया ना ही उसकी पेमेंट आई। तो दोस्तों, आई एम 100% श्योर कि ये जो तकलीफ है हर डेंटिस्ट के साथ आती होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरीके के पेशेंट आपके क्लिनिक पे आते हैं तो उनसे किस तरीके से आपको डील करना है और उनसे किस तरीके से अपनी पेमेंट निकलवानी है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सिंपल 2 टिप्स बता रहा हूँ, आपको बस वो फॉलो करना है। आई एम 100% श्योर कि आपको उनसे पेमेंट निकालने में ना के बराबर दिक्कत होगी। और अगर आपने ढंग से प्रोसेस को फॉलो कर लिया और कॉन्फिडेंस से आपने पेशेंट को डील करा, आई एम 100% श्योर आपके पैसे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अब इसके लिए करना क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि अगर आपके क्लिनिक पे पेशेंट आता है और जब आप उससे कंसल्ट करते हैं तो आपको अपना जो भी पेमेंट प्लान है आपको उसको वहीं पे क्लियर कर देना है। सपोज कीजिए, अगर आप उससे कहते हैं कि आप सर इम्प्लांट डलवाते हैं, उसका 50,000 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है, तो 50,000 रुपये खर्चे की जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि सर 50% पहले देना है और बाकी जो भी है आपकी 1 या 2 विजिट लगती हैं आपको नेक्स्ट विजिट में उतना देना है, और जो सबसे लास्ट है आपकी इंस्टॉलमेंट, वो आपको ट्रीटमेंट से पहले पूरा देना ही देना है। तो ये चीज आप पहले पेशेंट को क्लियर कर दीजिए, पहली चीज। दूसरा, आप जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर बनाते हैं उस पे भी ये चीज मेंशन कर दीजिए, जब आपसे कंसल्ट करते हैं तो ये चीज उसे हिसाब से मेंशन कर दीजिए, सो दैट कल को वो ये ना कहे कि सर आपने बताया नहीं, कि मुझे पता नहीं था। तो इससे आपका और पेशेंट का दोनों का माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट आएगा कराने तो उसी माइंडसेट के आएगा। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जितनी भी सिटिंग आपके यहाँ होती हैं, पेशेंट से जो भी आप पेशेंट लेते हैं, आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेटर है आपको उस पे लिख के देना है कि इस डेट में आपने इतना अमाउंट पे करा है, इतना बैलेंस है। और एक बहुत जरूरी काम कि पेशेंट की सिग्नेचर जरूर कराइए। इससे क्या फायदा होगा कि पेशेंट को ध्यान रहेगा कि उसकी इतनी पेमेंट है इतनी रहेगी, कल को वो आपसे झिकझिक नहीं करेगा कि सर मैंने इतना दे दिया था इस डेट पे दे दिया था। अगर उसके साइन होंगे उसे मानना पड़ेगा, अगर आप अपने साइन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, तो दोनों को कंफर्मेशन रहेगी। तो दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो अब आपको क्या फायदा होगा, कल को आप लीगली भी जा सकते हैं, ठीक है। पेशेंट ये मना नहीं कर सकता है कि उसे नहीं देने हैं, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बट मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई करने के लिए कम से कम जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको पेशेंट को कैसे डील करना है और उनसे कैसे पेमेंट निकलवाना है। दोस्तों, मैं भी ये प्रैक्टिस है अपने डील में करता हूँ। हमारी जो आपको भी पता है कि हमारी जो डील होती है 2-2 लाख से स्टार्ट होकर 10-10, 20-20 लाख की होती है, बट मैं अपनी पेमेंट एंड टर्म्स कंडीशन जो भी है सारा का सारा सेल्स ऑर्डर पर लिख के देता हूँ, तो इससे कस्टमर मना नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैं अपनी जगह अपना काम करता हूँ, हमारे काम करने के प्रिंसिपल है, मैं उसे फॉलो करता हूँ, मैं बहुत सुकून में रहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी इसी इन दोनों टिप्स को अपने बिजनेस में फॉलो करिए। आई एम 100% श्योर आपको पेमेंट से रिलेटेड बहुत कम से कम दिक्कत होगी। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% पेमेंट मिलेगी मिलेगी, 1-2% होगी, बट उससे आपको सबक लेना है, ठीक है। और अगर उनसे पेशेंट से पेमेंट नहीं मिलती है तो आपको फिर वो उसे बट्टे खाते में डाल देना है, फिर उसके लिए आपको अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट कोशिश ये कीजिए कि जो मैंने आपको 2 टिप्स बताई हैं इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए ही करिए। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स जरूर पसंद आई होगी। अगर ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो पे डालता रहता हूँ और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।